नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीडी भार्गव है और मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को। आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जानना है, तो आज का वीडियो उन साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर है। इसमें हम तीन पैरामीटर मेजरली कवर करेंगे। पहला पैरामीटर, हाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प अस। सेकेंड पैरामीटर, व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, होता क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाउ मेनी टेस्ट एंड व्हेन टू डू टेस्ट, कितने टेस्ट करवाएं, कितने टेस्ट होते हैं और हमें कब कब करवाने चाहिए, इस चीज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ये जर्नी, और शुरू करने से पहले अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर अवर चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज करिए। आगे चलते हैं। तो पहला हमारा क्या क्वेश्चन था, हाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प अस। इट विल हेल्प अस अवर टू चेक माइंड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। समझ रहे हैं, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, माइंड की अगर हमें पता हो और हम उसे गेज कर पाए तो हम उसको इनहांस भी कर सकते हैं और हम राइट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और अगर हम उसको चेक नहीं करेंगे तो कई बार हमें मालूम ही नहीं होगा हमारा एनर्जी लेवल कितना है, हम कितना परफॉर्म कर सकते हैं, हम अंडर परफॉर्म तो नहीं कर रहे हैं, हम ओवर परफॉर्म तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कंसीडर करके चलेंगे। तो पहला टेस्ट का जो पॉइंट है, मेरे ख्याल वो बड़ा क्लियर आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए और हमें अपने बिहेवियर को ठीक करने के लिए ये पॉइंट चाहिए। सेकंड, व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है। साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत मुश्किल होता है भाई, दिमाग खुल जाता है, ये खुल जाता है, ऐसे मिथ है हमारे दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दिमाग खुल जाता है ऐसा हो जाता है, नहीं। देयर आर द क्वेश्चन आंसर जो आपको क्लिक करने हैं, एबीसी के फॉर्मेट में होते हैं, आपको जस्ट टिक करते चले जाना है, उन फॉर्मेट को इवेल्युएशन करेगा, साइकोलॉजिस्ट चेक करेगा और उसको चेक करने के बाद वो आपको रिजल्ट दे देगा। सिंपल, कोई फियर नहीं होता इसमें। दो ही तरह के टेस्ट हैं, वन कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दे दीजिए, और दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा, कई बार क्या है कुछ मशीन्स यूज होती हैं, वो भी बहुत सिंपल मशीन्स होती हैं और आपके हाथ पे लगती हैं, ऐसा नहीं है दिमाग खोल देंगे, ये मिथ से बाहर आ जाइए, डरिए मत बिल्कुल। साइकोलॉजिकल टेस्ट में किसी में कोई प्रेशर ही नहीं होता है। ब्यूटीफुली ऑफ दिस, इसी की यही ब्यूटी है, हमारा जो फियर है वो निकल जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जस्ट एबीसी एबीसी एबीसी, जस्ट यू हैव टू क्लिक, और ये जैसे मशीन है, ये भी मैं आपको कोशिश करता हूं, इस पे एक नंबर दिख रहा होगा आपको, जैसे ही आप इसको टच करते हो द नंबर विल रिफ्लेक्ट, और जैसे ही वो नंबर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, तो आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, ये सब चेक किया जा सकता है। तो दीज काइंड ऑफ मशीन्स मैक्सिमम दो ही तरह से टेस्ट होते हैं, और कोई टेस्ट ही नहीं है, और कोई प्रोसेस नहीं है, टेस्ट तो बहुत है, प्रोसेस नहीं है। तो मेरे ख्याल ये भी क्लियर हो गया होगा, मिथ दिमाग से दूर हो गया होगा कि जो सेकंड ऑप्शन है वो क्लियर है। अब हाउ मेनी टेस्ट एंड व्हेन टू डू टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं कि अगर हम काउंट करने लगेंगे तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम उसको सात मैक्सिमम स्टेजेस में डिवाइड कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे हमारा काम चलता है तो इट्स गुड इनफ, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हैं, जो आज तक सात टेस्ट मैंने आपको सात स्टेजेस में मैं आपको डिवाइड कर रहा हूं, बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन हम सिलेक्टिवली टेस्ट लेंगे, कब कब करवा लेनी चाहिए ताकि हमारे माइंड को राइट डायरेक्शन मिल जाए, और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके ऊपर लेके चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर थोड़ा सा। इसके अंदर एक क्वेश्चन और लोगों ने पूछा था कि हमें मालूम ही नहीं, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, हम अभी डेवलप हो रहे हैं, यूरोप और आप जाएंगे यूएस में तो ये बड़ी कॉमन प्रोसेस है, वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। दूसरा, टेस्ट कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा समझना जरूरी है, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे पास चार ऑप्शन, लेट्स अज्यूम 100 हमारे पास काउंसलर है इंडिया, उस 100 में से जो 65% हैं, वो काउंसलर कौन है, वो या तो एक्सपीरियंस है उनका उस फील्ड में, दे आर गुड मोटिवेशन स्पीकर हैं, लाइफ कोचेज हैं, और हो सकता है उन्होंने कुछ एक दो थेरेपीज भी
सीखी हो या कुछ थेरेपीज में उनको एक्सपर्टीज हो, दे कैन डू वेरी गुड काउंसलिंग। आपके अगर कोई कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड समस्या है तो उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। दे आर वेरी गुड मोटिवेशन स्पीकर, वेरी गुड बिजनेस कोच, वेरी गुड लाइफ कोच, बहुत सारे लोग, लेकिन ये 65% लोग हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अगले 20% लोग कौन है? वो काउंसलर हैं, लेकिन वो साथ में साइकोलॉजिस्ट हैं। अब क्या है, जो साइकोलॉजी है इसमें भी काफी सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है, दिमाग का डॉक्टर होता है, न्यूरोसर्जन होता है, ऑर्थोपेडिक्स, इसलिए साइकोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो एक साइकोलॉजी में ब्रांचेस है काउंसलिंग, जिसके अंदर वो आपको काउंसल करना सिखाएगा, बात करेंगे वो आपसे और उसमें आपके ऊपर नॉर्मली डिस्कशन करके आपको करेक्ट पाथ पे लाएंगे। तो जो साइकोलॉजिकल काउंसलर है प्लस जिनको थेरेपीज भी आती है, मान लो उन्होंने NLP किया हुआ है या अदर कोई कोर्स किया हुआ है, हिप्नोटाइज का कोर्स किया हुआ है, तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 20% है, ये आपको क्योर कर देते हैं, लेकिन ये लोग टेस्ट नहीं करते। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक वर्ड यूज होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग भी करता है, आपको थेरेपीज भी करता है, अगर उसको थेरेपीज काफी सारी उसी प्रोसेस में सीखी होती है, कुछ वो एक्स्ट्रा भी, कुछ लोग एक्स्ट्रा थेरेपी सीख लेते हैं, हिप्नोटाइज होना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पैरासाइकोलॉजी की, दैट इज द एड ऑन टू दिस, प्लस ही इज ए एक्सपर्ट फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी डायरेक्टली अटैच विद योर माइंड, तो माइंड के जितने क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर रीजन आते हैं वो उसमें अटैच होते हैं। और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आपके ये सारी चीजें समझ के आपको थेरेपी रिकमेंड करता है। तो ये 10% लोग हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, रेस्ट 5%, वो जो 5% लोग हैं वो टेस्ट करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कुछ टेस्ट नहीं करते हैं या वो रिकमेंड नहीं करते हैं। देयर आर द डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर जो मशीन्स हैं वो कॉस्टली होती हैं, एवरीवन डज नॉट वांट टू बाय दैट। These are all the parameters, जो आपको क्वेश्चन आंसर भी होते हैं वो भी साइकोलॉजिकल प्रूव्ड होते हैं, उनके भी चार्जेस होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो बाकी 5% लोग हैं वो आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो वो 5% लोग आपका टेस्ट रिकमेंड करके वही पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, और देन दे कैन क्योर यू वेरी फास्ट। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक साइकोलॉजी प्रोसेस का, और एवरीवन इज डूइंग बेस्ट इन हिज स्टेज। तो ये आपको देखना है कि कौन आपको टेस्ट सुजेस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो शायद समझ नहीं रहा कि आपको टेस्ट चाहिए, उसने आपको जज कर लिया, नहीं चाहिए होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने टेस्ट जो करवाना चाहते हैं वो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे जाइए, ही विल डू द टेस्ट। अब आते हैं हम कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। मैंने आपको बताया बहुत सारे टेस्ट हैं, उन सबको ढूंढना, उन सबको करना, अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो हम ये लेके चलते हैं कि जो टेस्ट हैं, जो उनकी हम स्टेजेस डिवाइड कर देते हैं लाइफ साइकिल के हिसाब से। तो लाइफ साइकिल क्या है, पहला लाइफ साइकिल बच्चे का पैदा होना। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रेगनेंसी होना। अब प्रेगनेंसी जब होती है, या तो प्रेगनेंसी में मदर वो डिले होगी प्रेगनेंसी तो उसको स्ट्रेस हो सकता है, घर का एनवायरमेंट ऐसा नहीं है तो स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली पैथोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस हो सकता है, और अगर प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद भी स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। उसकी वजह यह है कि इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस टू दैट लेडी, वो पहला एक्सपीरियंस कर रही है तो उसको ये स्ट्रेस नॉर्मल चीज है। तो अगर आप वो स्ट्रेस चेक करा लेंगे तो डेफिनेटली आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चे में वो स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं होगा। आपने वही क्योर करा दिया शुरुआत में, बिल्कुल फिर। और सेकंड स्टेज, अब बच्चे का जन्म हो गया। तो जो बच्चे का जन्म हो गया, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि लेडीज में डिप्रेशन क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों होते हैं, प्लस एक दूसरा वीडियो है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कितना डेवलप होता है। दोनों ही वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप कहेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगा। जो बच्चा पैदा हो गया और वो 3-4 साल का है, तो 1-1.5 साल के बाद, बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद 6 महीने 8 महीने साल, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से क्या होता है,
अपने आप को हार्म पहुंचाती हैं, लेडीज स्ट्रेस में ज्यादा चली जाती हैं, ये सब बढ़ जाता है। तो वो टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट उस बच्चे पे नहीं आएगा, क्योंकि वो अडॉप्ट कर रहा है अभी आपकी सारी चीजों को, इसलिए हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये दूसरी स्टेज होगी जो मैंने आपको बताई। पहली जो आपकी प्रेगनेंसी अभी हुई है या डिले चल रही है, उस टाइम जो स्ट्रेस है, और बच्चा जो पैदा हो गया, डिलीवरी हो गई, उसके बाद बड़ा हो रहा है, तो चार साल के अंदर अंदर उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, आपको शुरू में 6 से 8 महीने के अंदर वो करा लेना चाहिए। अब आते हैं हम, 4 साल का बच्चा हो गया, उसका कॉन्शियस माइंड वर्क हो रहा है, 4 से 8 साल के अंदर, 4 से 8 साल के अंदर बच्चा एनवायरमेंट से सीखने लगता है, कभी कभी कुछ गलत चीजें भी सीख लेता है जो हमें बाद में प्रॉब्लम देती है। तो हमें बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, और प्लस पेरेंट्स को अर्निंग भी करनी है, मेहनत भी करनी है, उनके अपने स्ट्रेस हैं, तो उस टाइम हमारे डिप्रेसिव मोमेंट्स बढ़ जाते हैं, एंगर बढ़ जाता है, एंगर का स्ट्रेस होना चाहिए, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और वो बच्चे को इम्पैक्ट करती है, वो हमें करा लेना चाहिए। उसके अलग से टेस्ट आते हैं, वो हमें जरूर कराना चाहिए। अब आते हैं हम 8 से 12 ईयर, जो बच्चा 8 से 12 साल का हो गया, तो उसकी पढ़ाई में कभी कभी अटेंशन कम हो जाती है, तो स्पैन ऑफ अटेंशन, मेमोरी टेस्ट, दीज काइंड ऑफ टेस्ट हमें करा लेना चाहिए। और इसके अंदर आपकी इच्छा है 8 से 12 में या 4 से 8 में, आपको आईक्यू टेस्ट भी करा लेना चाहिए कि वो आईक्यू डेवलप हो रहा है। जो उसका एक नॉर्मल आईक्यू लेवल है उससे वो ग्रो कर रहा है, वैसा वो चल रहा है या नहीं चल रहा, और दूसरा उसका जो माइंड है वो सोशली जितना होना चाहिए उसी रफ्तार से ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमें जरूर करा लेना चाहिए 12 साल तक की उम्र से पहले पहले। अब आ जाते हैं टीनेज पे, 13 to 19 ईयर, इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, अगेन आप वीडियो देख सकते हैं, वो बायोलॉजिकल चेंजेस का इम्प्रेशन इम्पैक्ट दोनों दिखता है हमें। बच्चे का कई बार वेट बढ़ जाता है, कई बार दूसरी स्ट्रेस बढ़ जाती है, तो इस टाइम डिप्रेशन टेस्ट, एंजाइटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो रही है, और उसको स्ट्रेस लेवल हाई तो नहीं है, वो पीछे का स्ट्रेस तो नहीं ले आया, अभी आप रिमूव कराएंगे तो जल्दी रिमूव हो जाएगा, बाद में रिमूव कराएंगे तो टाइम लगेगा, तो हमें वो करवा लेना चाहिए। ठीक है, अब हम किस पे आ रहे हैं, इसके टीनेज के एरिया पे, तो टीनेज में पर्सनैलिटी टेस्ट, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल उसका हाई है या नहीं, वो जरूर करा लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम उसको अगर कोई और प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू कि कौन सा टेस्ट आपको करवाना चाहिए। अब हम आते हैं आगे यूथ लेवल पे, यूथ लेवल पे वो नए ऑर्बिट में जा रहा होता है, उसको ऑर्बिटल चेंजेस बोलते हैं, और ऑर्बिट के अंदर कैसे जाते हैं वो भी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। वहां पे एक तो जॉब कमाना, उसकी टेंशन, न्यू रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट की टेंशन बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसके कई सारे इम्पैक्ट होते हैं, कई बार ओसीडी हो जाता है, कई बार एडीएसडी की जो बचपन की प्रॉब्लम है वो दोबारा से हो जाती है, वो बचपन में आता है एडीएसडी, अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो एडीएसडी का आपको पहले पता लग जाएगा उसका माइंड कैसे डेवलप हो रहा है, वो नहीं होगा, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन अगर हम नहीं कराते टेस्ट। और जब हम वो करा लेते हैं तो क्या होगा, बच्चा यूथ लेवल पे अच्छे से अपने आप को प्लेस कर लेगा। और जो लास्ट स्टेज है इसकी यूथ के बाद, वो है जब 24 साल का हो गया, तब कॉन्शियस माइंड उसका डेवलप हो चुका है, वो एक लाइफ जर्नी पे निकल गया है, अब उसको मैरिज करनी है, रिलेशनशिप करनी है, उस रिलेशनशिप या मैरिज में कोई स्ट्रेस ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, एक वेलनेस टेस्ट है विच इज कॉल्ड सोलमेट टेस्ट, हमें सोलमेट टेस्ट जरूर करवाना चाहिए ताकि उन दोनों की कंफर्टेबिलिटी आप चेक कर सकें और ठीक ठाक लाइफ चले, एंजॉयबल लाइफ चले, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई फिकर ना हो, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस टेंशन रहेगी तो वो लाइफ दोबारा से हेल होने की उम्मीद हो जाती है, और आजकल आप देखिए डिवोर्स बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, तो वेलनेस टेस्ट है, सोलमेट टेस्ट जरूर करवा लेना। तो ये मैंने 7 स्टेज रखी हैं, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, वो यूथ हो गया, वो फैमिली चला रहा है, तो एनी प्रॉब्लम कम्स देन ही कैन शेयर हिज व्यूज विद द साइकोलॉजिस्ट, वो उसको सजेस्ट करेगा, उस टाइम जो भी टेस्ट उसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो कर लेगा। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस से चलते हैं,
बच्चे के जन्म से पहले से और यूथ होने तक उसका प्रॉपर एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे अपने पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं ना, वैसा हम अगर चार्ट बना लेते हैं बच्चे का, तो यकीन करना उसकी 70-80% प्रॉब्लम लाइफ की आपने सोल्व कर दी, उसकी आगे की लाइफ बहुत बढ़िया होने वाली है, इट इज अ फैक्ट, और आगे वो कभी भी परेशान नहीं होगा, इस बात की गारंटी ले लीजिए। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कौन लोग उसको करवाते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इस बारे में कोई भी क्वेरी हो आपकी, डेफिनेटली आप राइट अप करिए कमेंट बॉक्स में और हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगेन वही रिक्वेस्ट यू, चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा स्प्रेड करेंगे हम, उतनी ही यूरोपियन कंट्री और यूएस की तरह हमारी ग्रोथ लेवल बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। नमस्कार।